click on YouTube, search for Online Guruji by Ashish Sir. Go to the channel, click on subscribe button and press the bell icon to get all the notifications. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस के टाइप्स कितने हैं और उनका मीनिंग क्या है, पास्ट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और उनका मीनिंग क्या है. एक्चुअली टाइप्स जितने हैं ये बेसिक टाइप्स हैं, सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. बट अकॉर्डिंग टू देयर टेंसेस द नेम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर टेंस गेट चेंज. जैसे प्रेजेंट टेंस में अपन यूज करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में इसका मीनिंग अलग हो जाता है. पास्ट टेंस में अगर हम इन्हीं सारे फोर टाइप्स को यूज करेंगे तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है, और अगर हम फ्यूचर टेंस में इन सारे टेंसेस का यूज करेंगे तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है. अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट टेंस का देखा है. नाउ वी विल लर्न समथिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर टेंस का जो फर्स्ट टाइप है फ्यूचर सिंपल टेंस, और इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. इसका मीनिंग होता है, इस वर्ड का मीनिंग है अनिश्चित भविष्यकाल. इसका मतलब है कि जब कोई सेंटेंस हम बोलते हैं, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं और वो वाक्य भविष्यकाल का होता है लेकिन अनिश्चित होता है, उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती, कोई निश्चितता नहीं होती है कि हम ये वाक्य किस समय के लिए बोल रहे हैं या उसमें कोई टाइम मेंशन नहीं होता. सिंपल सा वाक्य रहता है जैसे वह वहाँ जाएगा, वह गाना गाएगा. इसी सिंपल अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य जो होते हैं उनको अपन अनिश्चित भविष्यकाल बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि कोई काम भविष्य में चल रहा होता है, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा उस टाइम पे ऐसा हो रहा होगा. इस तरह के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिखते हैं. बच्चों अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जस्ट मैं अभी जस्ट आपको नेम क्लेरिफाई कर रही हूँ कि ये नेम है और उसके नेम का हिंदी में मीनिंग ये है, ताकि जब आप लोग अच्छे हिंदी में इसका मतलब क्लियर पता चलेगा, पता रहेगा आप लोगों को, तो जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे या आगे डीपली फर्दर आप स्टडी करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा उस चीज़ को समझने के लिए. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण भविष्यकाल. इस टाइप के सेंटेंस हम इसमें लिखते हैं जिसमें हमें ये पता रहता है कि भविष्य में ये काम पूरा हो चुका होगा. उस तरह के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, भविष्य में जब कोई काम या तो पूरा हो चुका होता है या तो वो कंटिन्यू चल रहा होता है, उस तरह के सेंटेंसेस को हम पूर्ण निरंतर भविष्यकाल या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिखते हैं. थैंक यू. जब हम टेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. फर्स्ट वन इज़ द सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज़ द वर्ब एंड थर्ड वन इज़ द ऑब्जेक्ट. लेट अस लर्न अबाउट द सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता. जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई पर्सन होता है जो किसी एक्ट को, जो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है. जैसे ही रीड्स अ बुक, यहाँ पे ही जो है वह जो है वो एक पर्सन है जो किताब पढ़ता है, या सीता इज सिंगिंग सॉन्ग, समथिंग लाइक दैट. सो देर इज़ अ पर्सन टू विच वी कॉल द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमेशा करता, हर एक सेंटेंस में कोई एक ना एक नाउन, कोई एक सब्जेक्ट होता ही है जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पे हम पूरे सेंटेंस क्रिएट करते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट. फर्स्ट वन इज़ द सिंगुलर एंड सेकेंड वन इज़ द प्लूरल. सो सिंगुलर सब्जेक्ट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक ही, सी, इट और एनी नेम. ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं. आई, वी, यू, दे. एक्चुअली आई इज़ नॉट अ सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट, बट वी कंसीडर द आई ऑलवेज इन प्लूरल सब्जेक्ट बिकॉज वॉट द हेल्पिंग वर्ड्स वी आर यूजिंग फॉर द प्लूरल सब्जेक्ट वी ऑलवेज यूज विद द आई ऑल्सो. दैट्स वाई वी ऑलवेज कंसीडर आई इन द प्लूरल सब्जेक्ट. सो देर आर मल्टीपल
सब्जेक्ट्स दैट हेनरी ही सी इट और एनी नेम एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आई पी यू दे दीज आर द प्लूरल सब्जेक्ट और एनी प्लूरल फॉर्म और एनी प्लूरल प्लूरल नाउन वी कैलकुलेट एज अ प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वन. हर एक सेंटेंस में, हर एक वाक्य में कोई ना कोई क्रिया होती है. बिना क्रिया के कोई भी सेंटेंस नहीं होता है. जैसे यहाँ पे हम देखें ही रीड्स अ बुक. रीड मतलब यहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, पढ़ना, पढ़ाई करना. तो उस एक्शन को हम बोलेंगे वर्ब और क्रिया. तो हर एक सेंटेंस में, हर एक वाक्य में एक एक्शन होता है, एक वर्ब होती है. उस वर्ब को हमें फाइंड आउट करना होता है. और जब तक हम ये तीनों चीज़, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ नहीं मेंशन कर पाते हैं, ये चीज़ तीनों चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वी विल नॉट एबल टू मेक एनी सेंटेंसेस और वी विल नॉट एबल टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंसेस इन टू द पर्टिकुलर टेंस. ओके, सो सब्जेक्ट इज क्लियर टू एवरी वन. नाउ वर्ब, वी हैव टू फाइंड इट आउट इन अवर सेंटेंसेस वेयर इज द वर्ब. ओके, नाउ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म. हम जिस काम को कर रहे होते हैं उस काम को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं या कर्म बोलते हैं. जैसे ही रीड्स अ बुक. तो वह पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, वह बुक पढ़ता है. तो यहाँ पे बुक हो गई आपकी ऑब्जेक्ट. समझ में आया. सब्जेक्ट अगर हमें अभी भी आइडेंटिफाई नहीं होता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम एक चीज़ से लेके दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं. एक सेंटेंस लें, वह क्या पढ़ता है. तो वह क्या पढ़ता है, वह बुक पढ़ता है. तो जब हम सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा ऑब्जेक्ट. और जब हम ऑब्जेक्ट को लेके क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो होगा सब्जेक्ट. अभी हमने सब्जेक्ट को लेके आंसर किया, वह क्या पढ़ता है, तो वह बुक पढ़ता है. तो यहाँ पे हमें मिल गया ऑब्जेक्ट, कि बुक एक ऑब्जेक्ट है. और अगर हम बुक को लेके क्वेश्चन करें कि बुक कौन पढ़ता है, तो बुक कौन पढ़ता है, वह. तो वह हो गया सब्जेक्ट. सो वी हैव नाउ आइडेंटिफाइड दैट ही इज वन ऑफ द सिंगुलर सब्जेक्ट इन आवर सेंटेंस. रीड इज द वर्ब एंड बुक इज अ ऑब्जेक्ट. एंड बाय वी आर यूजिंग एस एंड ए हियर, सो देयर इज अ फॉर्मूला, देयर इज अ स्ट्रक्चर फॉर ईच एंड एवरी सेंटेंसेस. वी विल लर्न फर्दर. सो वी इट विल बी क्लियर वाई वी आर यूजिंग एस एंड ए हियर. ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन. सब्जेक्ट मीन्स करता, जो व्यक्ति, जो नाउन उस काम को कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. वर्ब का मतलब क्रिया, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है नाउन के थ्रू, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है उस काम को, उस एक्शन को हम वर्ब कहते हैं. जैसे लाफ मतलब हंसना, ईट मतलब खाना, सीख मतलब सोना, कूदना, खेलना, सारी चीज़ें ये सारी वर्ब हैं. और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जिस काम को कर रहे होते हैं उस काम को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं.